प्रधानमंत्री ने डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। सरकार बनने पर धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार। और नारायणपुर जिले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष की हत्या, अब तक जिले में 3 भाजपा नेताओं की हो चुकी है हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आज डोंगरगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जैन तीर्थ चंद्रगिरी में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल दुर्ग जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने राजधानी रायपुर में घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र सभी संभाग मुख्यालयों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर में, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा में, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बिलासपुर में, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में घोषणा पत्र जारी किया। किसानों का कर्जा फिर से करेंगे माफ। बीस क्विंटल प्रति एकड़ होगी धान खरीदी। जातिगत जनगणना का वादा। शासकीय स्कूलों एवं महाविद्यालयों में केजी टू पीजी तक निशुल्क होगी शिक्षा। सिलेंडर रिफिल करने पर 500 की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में। दो सौ यूनिट तक की बिजली होगी फ्री। महिला स्व सहायता समूहों तथा सक्षम योजना अंतर्गत के लिए ऋण माफ। सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मनंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने का वादा। करीब 18 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा खुद का आवास। आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। राजीव गांधी तेंदुपत्ता संग्राहक न्याय योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को देंगे 4000 प्रतिवर्ष बोनस। 7 नवंबर को 20 सीटों पर होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। पहले चरण के 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बस्तर की 12 सीटें भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के 90 में से 20 सीटों पर
7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम से थम जाएगा। उम्मीदवार शाम 5 बजे के बाद केवल व्यक्तिगत प्रचार और घर घर जनसंपर्क कर सकेंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। 7 नवंबर को पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। माओवाद प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर है, जिनमें से 198 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के 20, कांग्रेस के 20, बहुजन समाज पार्टी के 15, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के 16 और आम आदमी पार्टी के 10 उम्मीदवार सहित 142 निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। सबसे अधिक 29 प्रत्याशी राजनांदगांव में हैं, जहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा से उम्मीदवार हैं। वहीं उनके मुकाबले कांग्रेस के गिरीश देवांगन चुनावी मैदान पर है। सबसे कम 7 प्रत्याशी चित्रकूट और दंतेवाड़ा से खड़े हुए हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 69 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल है। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच राज्य के माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में अनेक मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। नारायणपुर जिले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रतन दुबे की कल बीच बाजार में हत्या कर दी गई। जिला उपाध्यक्ष की हत्या के बाद देर शाम उनके शव को जिला मुख्यालय लाया गया। आज उनके शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रतन दुबे भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप के साथ प्रचार में लगे हुए थे। कल वे थाना झारघाटी के कौशलनार बाजार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अचानक ही कुछ लोग सामने आए और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रतन दुबे की इस हमले में मौके पर ही मौत हो गई। जिला नारायणपुर के थाना झाराघाटी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौसलनार में चुनाव प्रचार प्रसार हेतु गए श्री रतन दुबे जिला पंचायत सदस्य नारायणपुर की अज्ञात माओवादियों के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया गया है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस एवं सुरक्षा बल को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया था, जो घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को लेकर जो है जिला मुख्यालय नारायणपुर की ओर रवाना हुए हैं और मामले में पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा बल के द्वारा जो है सर्चिंग गश्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले में इस साल अब तक 3 भाजपा नेताओं की हत्या हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। कांकेर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से सूक्ष्म निगरानी की जाएगी, जिसका नाम आगाज ले नजर रखा गया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि इस बार मतदान दलों और पोलिंग बूथ सहित समस्त प्रकार की गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षात्मक उपयोगों को और अधिक मजबूत बनाते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा ये नवाचार किया जा रहा है। कांकेर के जो संवेदनशील क्षेत्रों है उसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, जिसमें किसकोडो और दुट्टा चिलप्रस के जो मतदान केंद्र है वहाँ हेलीपैड के द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। कुछ मतदान दल पहुँच गए हैं और कुछ मतदान दल ऑन द वे है। सर, हमारे यहाँ कितने फोर्सेज में लगे हैं मतदान? हमारे यहाँ मतदान कराने के लिए बाहर से काफ़ी सारी CAPF की कंपनियाँ आई हुई है, BSF और SSB की कंपनियाँ आई हुई है। साथ ही में जो ज़िले में पूर्व से BSF की 8 बटालियन और SSB की 2 बटालियन सभी पोलिंग करवाने में लगी हुई है और हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि सुरक्षित दृष्टि से पूरा चुनाव प्रक्रिया संपन्न किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये ड्रोन कैमरे उच्च तकनीकी गुणवत्ता युक्त HD टेक्नोलॉजी से लैस है।
जो किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों को कैप्चर कर तत्काल कंट्रोल रूम को फुटेज प्रेषित करने में सक्षम होंगे। हमारे द्वारा इस वक्त मतदान पोलिंग पार्टियों की मूवमेंट के संबंध में एवं बूथ निगरानी के लिए विशेष ड्रोन की व्यवस्था किया गया है, जिसके द्वारा मूवमेंट के दौरान पूर्ण रूप से सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए ड्रोन से हम लोग रास्ता और पोलिंग बूथ को मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी हमारे इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पे हमने ड्रोन की व्यवस्था की हुई है। उन्होंने बताया कि फुटेज के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर अविलंब कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में पहले दिन 68 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्रों में भेजा गया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क और बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। दुर्ग विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी भी जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ वार्डों में प्रचार में लगे हुए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू और भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर के बीच है। ये दोनों प्रत्याशी पहली बार आमने सामने हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने भाजपा प्रत्याशी जागेश्वर साहू को 27,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना भाजपा की आदत बन गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है, विकास करती है और जो कहती है वो करती है। और 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी काम किया, काफ़ी विकास किया, जिसको जनता आज भी याद कर रहे हैं। और इस 5 साल को देख के जनता ने ठान लिया है कि फिर से भाजपा की सरकार लाना है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो बनाया है, हमें चलो स्पष्ट कहना है, एक तो प्रमाण दो कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार वो लोग किए हैं 15 साल, इसलिए 15 साल की सरकार में 15 में सीमित है। हम लोग अपने विकास कार्यों को लेके हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना और जो काम हुआ है और क्षेत्र में जो काम किए हैं उसको लेकर के हम लोग। वहीं इन प्रत्याशियों से मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी ने भी संजीत विश्वकर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो भी पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर जाति और धर्म को राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। आप देखेंगे कि सबसे कम समय में तेजी से उभर कर आने वाली आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी बनने में मात्र महज 10 साल का समय लगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम की पहचान है कि हम काम की बदौलत इस बार पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं। और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा जताने की बात कही है जो स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ जल आपूर्ति और अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने का भरोसा दिला रहे हो। जनता की जो बुनियादें हैं, जो सुविधाएं हैं, है ना, उसको हर जनता के घर में जाना चाहिए और जनप्रतिनिधि को खासकर योजनाओं को उनका हर साल समीक्षा होना चाहिए कि हम योजनाओं का जो दे रहे हैं वो जनता तक पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे हैं। किसी की भी सरकार हो, शासन की जो धरातल में जो योजनाएं होते हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते, इससे कई जगह नाराज भी हो जाते हैं जनता। गौरतलब है कि दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सहकारी समितियों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई है। नए नियम के आधार पर इस वर्ष समितियों में 15 क्विंटल के स्थान पर अब प्रति एकड़ अधिकतम 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कुल 26.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। इनके लिए करीब 2600 केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच बस्तर में 53,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं 77 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहाँ किसान फिंगर वेरिफिकेशन करवा कर ही धान बेच पाएंगे। राजनीतिक दलों के द्वारा की गई घोषणाओं के बीच किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि चुनावी प्रचार प्रसार के बीच धान बेचने के लिए जिला में गिनती की ही किसानों को
टोकन दिया गया है। वहीं बीजापुर जिले के कई किसानों ने बताया कि बारिश विलंब होने के कारण धान की कटाई में समय लग रहा है। जिले के कई से धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि बीजापुर जिले के किसान को धान खरीदी शुरू होने की सूचना का प्रचार किया गया, लेकिन अभी तक किसान धान बेचने खरीदी केंद्रों में नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसका कारण कांग्रेस और भाजपा द्वारा की गई घोषणा के माना जा रहा है। भाजपा ने 3100 रुपए में धान खरीदने की घोषणा की, जिसके कारण किसान कुछ दिन और इंतजार करने के बाद ही धान को बेचने का विचार कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।